ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, 9 नंबर क्वेश्चन अभी बनाएंगे। 9 नंबर आप एनसीईआरटी से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फट से। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर, 9 नंबर लिखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है। चलिए बना लेते हैं, यहां बनाते हैं एबीसी जिसका कोण बी है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यदि टेन थीटा बराबर दिया गया, लिख लेना है, जो जो क्वेश्चन पहले दिया गया वो लिख लेंगे। तो दिया गया है, लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा नहीं, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर 1/√3, टेन 1/√3। तो निम्नलिखित में बयान ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है टेन ए साइन, 1 नंबर में ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। फिर दूसरा में आगे बताते चलेंगे, ये कैसे बनाना है इसको जानने के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से ये थीटा हुआ, ठीक, ए जो डिग्री दिया हुआ है, हो गया। अब सुनिए, इसको बनाएंगे ऐसे। देखिए हम इसको बनाने के लिए दूसरा एंगल ला लेते हैं, बट एंगल नहीं लाना है, ठीक है। टेन ए 1/√3 बराबर पी बाई बी, पी बराबर 1, बी बराबर रूट थ्री। आप पाइथागोरस सेम से पाइथागोरस थ्योरम नहीं, परिमेय से, परिमेय और थ्योरम सेम ही है, ठीक है। परिमेय से क्या होता है, परिमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा याद रखेगा, ट्रिग्नोमेट्री में यही यूज ही होता है। फिर उसके बाद से राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, एच ज्ञात करना है हम लोग को, तो हर बार एच ज्ञात करना है, तो बार बार पढ़ते पढ़ते सब हो जाएगी। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये 1 का 1 √3 का 3, एच बराबर 2 आ गया। अब देखिए बना लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 क्या दिया हुआ है, उतारते हैं साइन, थोड़ा सा बस एंगल का डिपेंड करता है, इसे हम गौर से देख रहा हूँ, और कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाने के लिए। चलिए क्या बोलते हैं, ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाले को एच बोलते हैं, ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए ए, ए जब है, ए थीटा है, ना देखिए थीटा ए है, ए के सामने वाले को पी बोलते हैं, ए के सामने वाले को पी बोलते हैं ए, और लगे वाले को बी बोलते हैं, किसको, ए के लिए, ठीक। तो साइन थीटा, साइन थीटा मतलब ये है, तो साइन थीटा पी बाई एच, तो पी मतलब ये पी बाई एच, ये हुआ। अब सुनिए इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है जो हम लोग मिस कर गए हैं, लेकिन टेन ए बराबर पी, पी के मतलब बी सी, बी सी, बी सी बराबर, बी सी बराबर 1, और ये नजदीक है ए बी, ए बी बराबर 1, कोई बड़ी बात नहीं है। ए सी, ए सी बराबर 2, ये जरूर लिखना है। अब देखिए ए के लिए तो क्या होगा, पी सी, बी सी बटा ए सी, ठीक है, इंटू कॉस सी, कॉस सी हो गया, ये हो गया कॉस टी, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो एक साइन है तो बी लेना है, बी तो बी ये हो गया, याद रखिएगा कैसे बना रहा हूँ ये जरूर देखिएगा। सी थीट, ये थीटा है, सी का थीटा है पी, वही थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो पी बोलते हैं, ये तो फिक्स है। अब इसको क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बटा, बी सी बटा पी सी, तो पी सी कितना है, ए सॉरी बी सी बराबर ए सी प्लस कॉस ए। अब देखिए ये कॉस है, तो कॉस सामने वाला को तो पी बोलते हैं ए के लिए, तो ये हो गया बी, तो बी क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी बटा ए सी इंटू कॉस सी, कॉस सी ये साइन सी, साइन सी मतलब सामने वाला, तो क्या हो जाएगा पी सी, पी सी क्या है, ए बी है। अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन हो एक बार और समझाते हैं,
देखिए ये क्या कह रहा है, साइन ए यानी ए थीटा है, तो ये सामने वाला थीटा ए है, तो इसके सामने वाले को पी ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, नजदीक वाले को बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाले को एस कहते हैं। तो ए के लिए ये पी है और ये बी है, और इसके सी के लिए ये पी है ये बी है। ये था बस इतना ही क्वेश्चन देखना है इसको बनाने के लिए, बस यही। हमारे स्टूडेंट कुछ है वो उस मैक्सिमम टाइम इसी में गलती मारते हैं, बाकी उनको हर चीज कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट लिखने में सोच लेंगे पी एच क्या होगा किस नहीं देखते हैं। इसको पी मान लिए फर्स्ट टाइम इसके वजह से, और उसके बाद सब जगह पी पी वही मान मानते जाएंगे, जब भी पता चलता है आंसर गलत। ठीक है, इसमें वही चीज आपको पूछने के लिए, दर्शाने के लिए ही देखा गया। अब देखिए बीसी का मान कितना है, 1, एसी का मान क्या है, 2, अगुने बीसी का मान क्या है, इतना है 2, प्लस एबी का मान कितना है, एबी गलत वहां पे है ना, एबी क्या है, पी है, तो √3, √3 है, √3। ठीक है, यहाँ √3 याद रखिएगा, ठीक, गुना करेंगे 1/4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 देखिए √3 √3 गुना करेंगे तो हो जाएगा, फिर उसको करेंगे 1 + 3/4, 1, देखिए इसका आंसर 1 आएगा। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं इसी तरह दिया है, बस माइनस दे दिया है। कॉस ए साइन सी माइनस, नहीं, कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी बस, ठीक है, ये दूसरा नंबर है, कुछ बात नहीं है। साइन ए, साइन ए क्या कहता है, पी बाई एच, पी क्या कहता है, बी बाई एच, बी बाई एच इंटू ई बी बी बाई एच, और माइनस पी बाई एच इंटू पी बाई एच, बट ये ए के लिए देखना है, ए के लिए बी देखना है, ए के लिए है बी ये है, मतलब ए बी, ए बी सॉरी ए बी, और सी तो हमेशा फिक्स है, और इसके लिए सी, सी के लिए बी कौन है, बी सी है, बस इतना ही क्वेश्चन में है इसमें माइनस। अब देखिए साइन ए, साइन ए ये है, इसके लिए पी क्या है, ये बी सी है, बी सी बेटा ए सी इंटू, अब देखिए साइन सी, साइन सी है इसके सामने वाली, ये थी ए बी, ए बी बटा ए सी, ठीक है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है, √3, बी सी का मान कितना है, 1/2 इंटू 2, ये भी है 2, ये माइनस बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1 एंड ए बी का मान √3/2 × 2, तो √3/4 माइनस √3/4 माइनस माइनस कट गया, बचेगा 0, आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन में समझने के लिए मेरे एक ही बात बताऊंगा, यही मायने रखता है, ठीक है, आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, होप आपको अच्छे लगे, या नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, मैं फिर इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक, ये अगर ये थीटा मान लिया जाए तो इसके सामने वाले को पी ए हो गया, ये बी हो गया, ये तो 90 डिग्री, इसके सामने वाले एच फिक्स हो गया, इसको वन फिक्स मतलब ये फिक्स हो गया, कभी नहीं चेंज होगा इन दोनों के लिए। अब चले इसके साथ साथ लिख देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, ये ए का पी है, ये ए का ये बी है, ए मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ मान लीजिए थीटा 1, तो ये क्या, ये सामने वाले हो जाता है तो पी हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ये क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी मतलब बी सी नहीं, देखो ये बेस हो जाएगा, इसके लिए थीटा के नजदीक वाले को बी कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, बस इस कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।